सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके बाद बेल आइकन के दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेक्नोलॉजी के जुड़े हर एक इन्फॉर्मेशन पाइए तुरंत सबसे पहले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक से यूट्यूब वीडियो कोलाबोरेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक्स है। इसको यूज़ करके हम जो यूट्यूबर्स हैं, जो जो यूट्यूबर्स हैं, जो अपने अपने का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जरिए वो दोनों का ही के वीडियो व्यू बढ़ा सकते हैं, वीडियो वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये टोटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपको मेरा पास एक तीन चार अच्छा प्लेलिस्ट है। तो मैं मेरा जो अपना प्लेलिस्ट है, मैं अपने प्लेलिस्ट में दूसरों का वीडियो ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरा जो चैनल मैनल के टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ चैनल सर्च करेंगे पहले। उसके बाद जो वीडियो मुझे अच्छा लगा वो वीडियो मेरा अपने प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा। और ऐड करने के बाद मैं जिसका वीडियो ऐड करूँगा उसको मैं कमेंट में बोल दूँगा कि आपका वीडियो मैंने आपके ऐड किया मेरे प्लेलिस्ट में, आप भी मेरा वीडियो ऐड कीजिए। ऐसे क्या होगा अगर तीन चार क्रिएटर ऐसे करता है तो सबका ही फायदा है। मेरा प्लेलिस्ट में उसका वीडियो रहेगा, उसका प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो रहेगा, तो उसका जो वीडियो का व्यूज़ बढ़ेगा तो मेरा भी वीडियो का व्यूज़ बढ़ेगा। तो एक क्रॉस कोलाबोरेशन कहा जा सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले जो मेरा रिलेटेड टॉपिक्स है उसका ऊपर एक चैनल सर्च करता हूँ, हिंदी ट्रिक्स। मान लीजिए ये वाला चैनल सर्च करता हूँ, एक चैनल मुझे मिल गया है। तो खोल के देख लेते हैं क्या क्या वीडियो है इसमें। तो इसका एक वीडियो देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये वाला वीडियो को मैं अपना चैनल में मैं अपना जो प्लेलिस्ट में उसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ये करने के लिए हमको हमको पहले वो वीडियो ओपन करना पड़ेगा। वीडियो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है। देखिए प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरा जो चैनल है वो चैनल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद मेरा जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर जाकर टाइप करना पड़ेगा कौन सा चैनल के साथ कोलाबोरेशन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जो वीडियो के साथ कोलाबोरेशन करना चाहता हूँ वो आपको ओपन करना होगा। उसके बाद ओपन करके यहाँ पर ये प्लस प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ही देखिए ये जो मेरा जो प्लेलिस्ट है वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई अगर मैं चेक करूँ तो वो वाला प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हाउ टू यूज़ स्मार्टफोन, ये वाला प्लेलिस्ट में ये वीडियो मैं ये वाला प्लेलिस्ट ले लिया। ओके ओके, तो यहाँ पर दे दें एडिट टू प्लेलिस्ट। ओके, तो ये वाला वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में ऐड हो गया। मैं प्लेलिस्ट ऐड हो गया। तो ऐड होने के बाद मैं इसको एक कमेंट दे देता हूँ। आई हैव एडेड एड योर योर वीडियो इन माई प्लेलिस्ट प्लीज चेक माई वीडियो एंड ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट दे दिया, हाँ मैं आपका वीडियो ऐड किया हूँ, आप भी मेरा वीडियो आपका प्लेलिस्ट में ऐड किया।
ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप जितना भी आपको रिलेवेंट चैनल है उन लोगों का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और 3-4 दिन वेट कीजिए। अगर वो आपके चैनल को ऐड नहीं करते तो आप उसका वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो ऐसे करने से आप सब लोगों का ही फायदा है। ओके ओके जो चल के आप दे लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।